नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक रात के 9 बज चुके हैं और आपको पता है कि अपना लाइव सेशन रात को 9 बजे स्टार्ट होता है। रीजनिंग के बहुत बेहतरीन तरीके से अपन टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो 9 बज चुके हैं। जल्दी से सभी मित्रों को जोड़ लीजिए दोस्तों अपने साथ में, सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने लोग आ चुके हैं सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज अपना टॉपिक रहने वाला है दोस्तों ओड वन आउट, बेमेल छांटना, इसे कह सकते हैं वर्गीकरण करना या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेमेल छांटना ओड वन आउट। दोस्तों, सवाल बहुत सरल आते हैं लेकिन प्रैक्टिस, मैंने जैसा कि सादृश्यता में भी कहा, जरूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद में रक्त समूह पढ़ेंगे दोस्तों। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं रक्त संबंध के बारे में, तो रक्त संबंध वाला टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट अपना रक्त संबंध और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ये दो टॉपिक आपको मैं आगे करवाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो आज अपना ओड वन आउट है, तैयार हो जाइए सभी लोग। जो लोग नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग आ चुके हैं लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आवाज और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ सही है सर, फिर मैं शुरू कर रहा हूं आज का सेशन प्यारे साथियों। चलिए, आज के सेशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ओड वन आउट है, ओड वन आउट के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चनों की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, एक सवाल आप ध्यान से समझना कि मैंने लिखा है 25, 36, 49 और 63, इनमें से बेमेल छांटिए, इस प्रकार से सवाल आएगा आपका। इनमें से अलग क्या है, बेमेल क्या है, वो छांटना है, इस प्रकार का सवाल आएगा। मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये जब सवाल आता है तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है चारों संख्याओं को, वो चार नाम हो सकते हैं टाइप वाइज अभी हम पढ़ेंगे, चार युग्म हो सकते हैं, उनमें से अलग छंटा सकता है आपसे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन 63 यहां पर किसी का भी वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है 63। इसीलिए अपना जो यदि हम बेमेल कहें, इनमें से अलग के हैं, तो कौन सा होगा, 63 होगा, ये अपना फाइनली आंसर रहेगा। कारण क्या हुआ कि ये बाकी सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग, सॉरी ये स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अपना 63 फाइनली आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे ओड वन आउट में। अब मैं टाइप वाइज लेके चल रहा हूं, ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार बताओ, ये बात आपके समझ में आ गई क्या, एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए, अब आपको टाइप वाइज लेके चल रहा हूं दोस्तों। टाइप फर्स्ट ले रहे हैं, टाइप फर्स्ट में हम कुछ शब्दों वाले देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस प्रकार का है ध्यान से समझना, क्वेश्चन एक ही लिखा हुआ है दोस्तों निकालना, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कटौती, तीसरा वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों जमा, और चौथा लिखा हुआ है निकासी। क्वेश्चन क्या रहेगा, बेमेल छांटिए, इनमें से आपको अलग क्या है वो छांटना है दोस्तों। तो प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है, सभी लोग कमेंट करने लग जाइए। निकालना, कटौती, जमा, निकासी, इनमें से अलग क्या है ये बताना आपको। चलिए जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, इन चार में से अलग क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, इनमें से अलग क्या हो जाएगा, जमा आपका अलग हो जाएगा, जमा। ठीक है, जमा का मतलब होता है आपके खाते में, जैसे मान लीजिए पैसा जमा करना, निकालना, कटौती और निकासी एक जैसे वर्ड है दोस्तों, समानार्थी शब्द है, एक ही अर्थ है इनका दोस्तों। ठीक है, चाहे निकालना कहो, चाहे कटौती कहो, चाहे निकासी कहो, लेकिन जमा यानी एड करना उसमें, तो ये अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों का लगभग सही था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शेर, फिर लिखा हुआ बकरी, फिर लिखा हुआ आपका कछुआ, और फिर लिखा हुआ दोस्तों किन्नर। बताइए इनमें से अलग क्या है, शेर,
बकरी, कछुआ और किन्नर, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें से आपको ओड वन आउट बताना है, यानी बेमेल क्या है, अलग क्या है बताना है। चलिए वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किन्नर, इनमें से अलग है, बाकी सारे आप देख सकते हैं शेर, बकरी, कछुआ, ठीक है ना, किन्नर आपका ओड वन आउट में से अलग रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखना, सभी का सही था ये लगभग, अगला देखना दोस्तों प्रकाश। तरंग, ऊष्मा और ध्वनि, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि, इनमें से अलग क्या है दोस्तों, इनमें से अलग क्या है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि, इनमें से अलग क्या है, ओड वन आउट क्या है बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों तरंग, तरंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इनमें से अलग है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ऊष्मा ध्वनि ये सब अलग रहे, इनकी अलग होती है और गुण अलग होते हैं, तरंग आपका इनमें से अलग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या, एक बार कमेंट करके बताओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तरंग वाला कितने लोगों का सही था, एक बार कमेंट करके बताओ, तरंग वाला कितने लोगों का सही था। चलिए अगला देखना दोस्तों, अगला है आपका दौड़ना, इनमें से बताना था कहीं, दौड़ना, फिर है दोस्तों तैरना, फिर है दोस्तों नाचना, और लास्ट में लिखा हुआ है सांस लेना। दौड़ना, तैरना, नाचना, सांस लेना, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए अपने साथ। चलिए दोस्तों इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, सांस लेना इनमें से अलग है, बाकी तीनों में जो है नाचना, तैरना, दौड़ना, इनमें गत्यात्मक क्रियाएं हो रही है, दिखाई दे रही है गत्यात्मक क्रियाएं, सांस लेना आपका अलग रहेगा इन तीनों से, सांस लेना फाइनली आंसर रहेगा, काफी लोगों ने सही बताया है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे साथियों, अगला देखना दोस्तों, अगला दोस्तों लिखा हुआ है शत्रु, मित्रता, आसक्ति और आत्मीयता, बताइए इन चारों में से अलग कौन सा है, आउट कौन सा है, बेमेल कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, शत्रु, मित्रता, आसक्ति और आत्मीयता, चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए इन चार में से अलग कौन सा है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इनमें से अलग कौन सा रहेगा, शत्रु आपका अलग रहेगा, बाकी मित्रता, आसक्ति और आत्मीयता, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, मित्रता, आसक्ति, आत्मीयता, ये तीनों समान अर्थ देने वाले हैं, लेकिन शत्रु अलग है, ठीक है, शत्रु इनका कहें तो अपोजिट मान सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही था। अगला देखना दोस्तों, दो दो के जोड़े दिए हुए आपको, अपराध, आरोप, दूसरा युग्म है नाटा, लंबा, तीसरा है आपका मोटा, पतला, और चौथा ऑप्शन है आपका हल्का, भारी। दोस्तों जल्दी से बताइए इन चार में से अलग कौन सा होगा, ये पूरा एक है, यहां पर कोमा लगी हुई है, ये पूरा एक है, ठीक है, अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, मोटा, पतला और हल्का, भारी, इनमें से आउट कौन सा है, अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है, कमेंट करना आपको। चलिए दोस्तों इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो रहेगा अपराध और आरोप वाला, अपराध, आरोप, ठीक है, बाकी देखो नाटा, लंबा, यहां पर ये विलोम अर्थ दे रहे हैं, कौन से अर्थ दे रहे हैं, विलोम, मोटा का विलोम पतला हो जाएगा, सभी में विलोम अर्थ देने वाले, देखो हल्का का भारी हो जाएगा, इसमें भी क्या हो रहा है, विलोम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अपराध, आरोप, ठीक है, ये दोनों लगभग एक जैसे माने जा सकते हैं, तो ये वाला आपका आउट है इनमें से, ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखना, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना, कितने लोग बताते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, गहना कंगन चूड़ी और अंगूठी, गहना कंगन चूड़ी और अंगूठी इनमें से अलग कौन सा है बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, गहना कंगन चूड़ी और अंगूठी। चलिए जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका फाइनली आंसर रहेगा राइट आंसर गहना। क्या रहेगा? गहना। गहना कैसे रहेगा दोस्तों, बाकी ये सब जो है गहने के प्रकार ही हैं, कंगन है चूड़ी है अंगूठी है, गहने के अंदर ही आ जाएंगे, गहने के प्रकार है, इसलिए गहना आपका अलग रहेगा इन चारों में से। ठीक है, फाइनली आंसर रहेगा आपका पहला गहना वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखना दोस्तों, चित्ता शेर फिर है घड़ियाल और फिर है लोमड़ी। दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, चित्ता शेर घड़ियाल और लोमड़ी, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चित्ता शेर घड़ियाल और लोमड़ी। चलिए फाइनली आंसर क्या रहेगा, काफी लोग सही बता रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका फाइनली आंसर रहेगा घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल क्यों रहेगा, क्योंकि ये जमीन पर भी रह सकता है प्लस पानी पर भी रह सकता है, जमीन प्लस पानी दोनों पर रह सकता है, बाकी शेर चीता और लोमड़ी जो है केवल जमीन पर रहते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर नेक्स्ट अलग क्या हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घड़ियाल। तो ये टाइप फर्स्ट के अंतर्गत दोस्तों यहां पर शब्द वाले जो है सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपके तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ, अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब संख्याओं वाला टाइप लेंगे दोस्तों, उसके बाद थर्ड टाइप आएगा अपना जो शब्द युग्म पूछे जाते हैं उनमें से। चलिए अब दोस्तों टाइप सेकंड आपका आ रहा है, टाइप टू लिखना आप, टाइप नंबर टू स्टार्ट हो रहा है अपना। टाइप नंबर टू में सवाल क्या है देखना, सवाल है आपका भिन्न बाहर करें। इसका मतलब क्या है, भिन्न का मतलब क्या है, अलग, बेमेल, बेमेल को छांटना है, वही सवाल है दोस्तों। यहां पर दोस्तों लिखा हुआ आपका 62 37, अगला लिखा हुआ है 74 20, अगला लिखा हुआ है 85 60, फिर लिखा हुआ है 103 78। जल्दी से बताइए जो चार युग्म दिए गए हैं, 62 37 का युग्म है, 74 20 का युग्म है, 85 60 का युग्म है और आपका 103 और 78 का युग्म है, इनमें से कौन सा अलग है वो बताना है मेरे प्यारे साथियों आपको, आउट कौन सा है अलग कौन सा है वो बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 74 40 74 20 वाला ऑप्शन, सॉरी 74 40 कर लेना दोस्तों, 74 40 कर लेना। ठीक है, 74 20 से भी हो जाएगा, 74 40 कर लो इसको, 74 40 वाला ऑप्शन जो है फाइनली राइट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों देखना, अंतर जो है इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों, डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है, केवल 34 आ रहा है, कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो बाकी सब में अंतर कितना है दोस्तों, बाकी सब में अंतर की बात करें तो 25 है, इसमें अंतर 34 है, इसलिए ये इनसे आउट है, ये इनसे अलग है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, लिखा हुआ है 24, फिर आपका लिखा हुआ है 60, फिर आपका लिखा हुआ है 124, फिर आपका लिखा हुआ है 210। आराम से पूरा दिमाग लगाना है दोस्तों, पूरा दिमाग लगाना है इसमें, 24 60
124 और 210, इनमें से आउट कौन सा है ये ढूंढो। आउट कौन सा है देखो ये ढूंढो दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, कौन सा आएगा 124 इसमें से अलग रहेगा, कैसे रहेगा ध्यान से देखना। 124 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे है, चोइस को किस प्रकार डिफाइन किया कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3, ठीक है। यहां पर देखो 4 का क्यूब 64 माइनस 4, यहां पर 6 का क्यूब 216 माइनस 6, लेकिन यहां पर 124 5 के क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब 125 माइनस ये 120 होना चाहिए था, लेकिन कितना है 124 है, 124 है, इसलिए अपना ये वाला आउट रहेगा। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या, ओल्ड वन आउट में चल रहा है अपना, 124 जो है इनमें से अलग रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहां तक की बात ये वाला सवाल समझ में आ चुका है क्या, यहां पर 3 का क्यूब 3 माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 6 का क्यूब माइनस 6, 5 का क्यूब माइनस 5, 120 होना चाहिए था, 124 लिखा हुआ, तो ये डिफरेंस है अलग है, ठीक है। अगला सवाल देखना दोस्तों, अगले सवाल में दोस्तों इस प्रकार से आपको युग्म दिए हैं, 52 के साथ 142 लिखा हुआ है, दूसरे युग्म में आपके 54 के साथ 126 लिखा हुआ है, तीसरे युग्म में आपके 56 के साथ 168 लिखा हुआ है, और चौथे युग्म में आपके 58 के साथ 184 लिखा हुआ है। जल्दी से कमेंट कीजिए, अलग कौन सा रहेगा इनमें से, आउट कौन सा रहेगा। दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सवाल किसी भी प्रकार का आ सकता है वहां पर, ठीक है ना, सवाल किसी भी प्रकार का आ सकता है। सवाल आपका किसी भी प्रकार का आ सकता है दोस्तों। चलिए इसका फाइनली आंसर कौन सा रहेगा, 56 168, ये वाला अलग है। क्यों अलग है दोस्तों देखना, इनके अंकों का योग करके देखो क्या करना है दोस्तों, अंकों का योग समान आ रहा है क्या, जैसे 5 + 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और इनकी मैं बात करूं तो 1 + 4 + 2, 4 2 6 1 7 हो रहा है, देखो 7 समान हो रहा है, इसमें देखो 5 और 4 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, 2 1 3 3 3 और 6 9 हो रहे हैं, यानी समान है। यहां पर देखो वापस से करो 8 5 13 और 8 1 9 4 13, यहां पर भी समान है, लेकिन यहां पर 5 6 11 है, और यहां पर 6 1 7 8 7 15 हो रहे हैं, यानी कि ये वाला जो योग है अंकों का दोस्तों ये समान नहीं है। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर हुआ, 56 168 वाला युग्म इन चारों युग्मों से अलग है। अंकों का योग करके देखो दोस्तों समान होना चाहिए, जैसे 5 और 2 7 हुआ तो 4 2 6 1 7, अंकों का योग समान है दोनों युग्मों के साथ वाले की, ठीक है ना, साथ वाले के युग्मों के जो योग है दोस्तों वो समान है। चलिए समझ में आ गया तो बताएं, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, कमेंट करो जल्दी जल्दी भाई सभी लोग, इसको शेयर करो, रोज आपके लिए क्लासें लेके आते हैं, शेयर करें भाई सभी लोग, इसको शेयर करें सभी लोग, एक साथ शेयर कर दो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अगला आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ट्राई करना आप, लिखा हुआ दोस्तों 55 × 5, फिर अगले युग में लिखा हुआ है 15 × 15, अगले युग में लिखा हुआ है 5 × 45, और अगले युग में है 25 × 9। जल्दी से बताइए इनमें से अलग कौन सा है, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपनानी पड़ेगी दोस्तों आपको। 55 × 5, 15 × 15, 5 × 45, 25 × 9, जल्दी से बताइए अलग कौन सा है। चलिए इनमें से अलग रहेगा दोस्तों 55 × 5 वाला, देखिए इन 15 × 15 का गुणा करो 225 हो रहा है, 45 × 5 करेंगे तो भी 225 हो रहा है, और 25 × 9 करेंगे तो भी 225 हो रहा है, लेकिन इन दोनों को गुणा करने पर मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों को गुणा करने पर 275 हो रहा है, जो कि इनके बराबर नहीं है, यानी इन सब में तो गुणा 225 हो रहा है, लेकिन इसमें कितना हो रहा है 275 हो रहा है, तो 55 × 5 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 55 × 5 वाला जो ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए जिनका आया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल देखना आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल क्या कहता है,
अगला सवाल ये कहता है कि लिखा हुआ है एक, फिर लिखा हुआ है 16, फिर लिखा हुआ आपका 81, फिर लिखा हुआ आपका 243। जल्दी से बताइए अलग कौन सा, ये तो सरल हो जाना चाहिए आप सभी के लिए, ये तो आप सबको बहुत सरल लगना चाहिए दोस्तों। 1, 16, 81 और 243 जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इनमें से आउट कौन सा रहेगा? 243 आपका आउट रहेगा, ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। देखो एक का स्क्वायर एक होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो सभी जो है 1, 16 और 81 वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन 243 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, तैयार रहना आप, बिल्कुल आप सभी तैयार रहना दोस्तों। अगला देखना दोस्तों, 63, फिर लिखा हुआ दोस्तों 12, फिर लिखा हुआ दोस्तों 51 और उसके बाद लिखा हुआ 43। इन चार में से अलग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे सभी प्यारे साथियों को, कमेंट करना है दोस्तों। 63, 12, 51 और 43 इनमें से आउट कौन सा है, अलग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, कैसे हुआ दोस्तों, क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर आएगा 43। ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या दोस्तों? 43 आपकी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 63, 12 और 51 ये अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन ये एकमात्र इनमें से कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो आपका 43 अलग रहेगा इन सब में से। ठीक है दोस्तों, 43 इनमें से आउट है, अलग है, अभाज्य संख्या है। अगला देखना दोस्तों, लिखा हुआ है 11, 17, 23 और 51। अब बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 11, 17, 23 और 51 इनमें से बताइए अलग कौन सा है, आउट कौन सा है। कितने लोगों का कमेंट बिल्कुल राइट आंसर आता है मैं देख रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा आएगा। चलिए इनमें से कौन सा आएगा दोस्तों, 51 आ जाएगा। 51 क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। इस बार कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। बाकी 11, 17 और 23 कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक ही भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है, तो इस बार ये अलग होगा। इससे पहले वाले सवाल में सब भाज्य संख्याएं थी लेकिन एक अभाज्य संख्या थी, तो वो उनमें से आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 51। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आ रहा है, आपके लिए एक शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं ये देखना है। पहला युग्म है 1640 का, दूसरा है दोस्तों 1845 का, तीसरा ऑप्शन है आपका 1428 का और चौथा ऑप्शन है 820 का। जल्दी से बताइए बेमेल कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, चार में से अलग कौन सा है, वो कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों आपको। इन चारों में से अलग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इन चार में से अलग कौन सा है? चलिए दोस्तों फाइनली आंसर इसका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1428 आपका। 1428 अलग है दोस्तों, 1428 अलग कैसे है देखना। यहां पर 1640, ये 16 है, 40 का कितना गुणा है? 2.5 गुणा है। 1845 यानी 45 18 का कितना है? 2.5 गुणा है। और 20 8 का कितना है? 2.5 गुणा है। लेकिन बात करूं 1428 तो ये दुगुना ही है, केवल केवल कितना है दोस्तों? दुगुना है, बाकी सब ढाई गुना है, 2.5 गुना है। इसका मतलब ये इनमें से डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। ये इनमें से मेरे प्यारे साथियों क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। बात समझ में आ गई कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4, 16, 63 और 9। दोस्तों सवाल क्या है? 4, 16, 63, 9 इनमें से आपका डिफरेंट कौन सा है मेरे प्यारे साथियों ये बताइए। इनमें से आपका अलग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 4, 16, 63 और 9 लिखा हुआ है, इनमें से आपका अलग कौन सा है ये बताना है। सभी दोस्तों को कमेंट करना है दोस्तों, प्रयास करते रहिए।
प्रयास तो करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों आपको। चलिए इसका फाइनल आंसर 63 रहेगा। 63 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। बाकी देखो चार वर्ग संख्या है, 16 वर्ग संख्या और 9 वर्ग संख्या है, तो 63 आपकी वर्ग संख्या नहीं है। तो 63 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखना दोस्तों, अगला लिखा हुआ है 37, 53, 87 और 59। ये वाला कितने लोग सही बताते हैं ये ट्राई करना है भाई। 37, 53, 87 और 59, जल्दी से बताइए इनमें से अलग कौन सा है चारों में से, इन चार में से अलग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। इनमें से जो अलग है दोस्तों वह है 87। कौन सा है 87 आपका अलग है, ये क्या है दोस्तों भाज्य संख्या है, ये इनमें से भाज्य संख्या है। बाकी 59, 53 और यदि मैं 37 की बात करूं तो सभी अभाज्य संख्या हैं, ये एकमात्र इनमें से भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट अगला देखना, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगले टाइप के सवाल आ रहे हैं, टाइप नंबर 3। अब आपको समूह में बताना है, समूह दे रहा हूं मैं। पहला सवाल है दोस्तों ए बी जेड वाई, दूसरा समूह है दोस्तों बी सी वाई एक्स, तीसरा समूह है दोस्तों सी डी वी डब्ल्यू और अगला समूह है दोस्तों डी ई वी यू। जल्दी से बताइए इन चार समूहों में से अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है दोस्तों। समूह वाले सवाल आपके बीएसटीसी और पीटीटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, आएंगे परीक्षा में ये भी, तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल हल करने का पूरा टाइम भी दे रहा हूं मैं आपको, फिर कारण के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूं दोस्तों। कुल मिला के संपूर्ण तैयारी आपकी करवाई जा रही है, ठीक है। इसका फाइनली आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा, सी डी वी डब्ल्यू, ये अलग है दोस्तों। कैसे आप ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने कहा था ये सर जब भी आए आप नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 26, 25, 2, 3 और 25, 24, यहां पर भी कर दो 3, 4, 22, 23, 4, 5, 22, 21। देखना दोस्तों 1, 2 लगातार है, फिर 2, 3, 3, 4, 4, 5, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो 26, 25, 26 के बाद 25 है, 25 के बाद 24 है, तो 24 के बाद 23 होना चाहिए था, लेकिन 22 के बाद 23 है। यहां पर देखो दोस्तों यहां मिस्टेक है, ठीक है, ये 22, 23 नहीं, 24, 23 होना चाहिए था और ये 22, 21 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है, इनमें से अलग कौन सा हुआ, ये वाला हुआ 26, 25, 25, 24, 24, 23 होना चाहिए था, 22, 23 आ गया। यहां पर एक्स डब्ल्यू होना चाहिए था, वी डब्ल्यू है, इसलिए ये इनमें से अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, ये वाला समझ में आया क्या, एक बार बता दोगे, ये वाला समझ में आया तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला सवाल आपके सामने है ए जे के एल, अगला है आई बी सी डी, फिर है ओ आर क्यू पी, फिर है दोस्तों यू एफ जी एच। ओड वन आउट का टॉपिक चल रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका फाइनली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। ए जे के एल आई बी सी डी ओ आर क्यू पी यू एफ जी एच। चलिए आराम से कीजिए, लेकिन करना जल्दी है, आपको आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहे दोस्तों, लाइक और शेयर करें इसको, वेरी गुड। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ओ आर क्यू पी अलग है। देखो कैसे, ये दोस्तों क्या है, स्वर है, क्या है स्वर, ए
आई ये भी क्या है दोस्तों, स्वर है, ओ भी स्वर है, ठीक है, फिर भी अलग है, देखना कैसे, यू भी स्वर है, लेकिन जे के एल लगातार है, जे के एल बी सी डी ये भी क्या है दोस्तों, लगातार है, एफ जी एच ये भी क्या है दोस्तों, लगातार है, लेकिन पी क्यू आर होता है, आर क्यू पी, ये लगातार नहीं है दोस्तों, ये लगातार नहीं है आपका, इसलिए ये इनमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये इनमें से मेरे प्यारे साथियों सब में आगे स्वर है लेकिन ये लगातार नहीं है, देखो जेके एल लगातार है, बी सी डी लगातार है, एफ जी एस लगातार है, लेकिन आर क्यू पी नहीं, पी क्यू आर होना चाहिए था तब ये सही होता, लेकिन ये नहीं है ऐसा, इसलिए अलग है, आउट है इनमें से, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट कीजिए, ये था दोस्तों ओल्ड वन आउट का टॉपिक, आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइए। यदि आपको सभी प्रकार की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हिंदी की क्लास नहीं लग रही है, हिंदी के दो या तीन, हिंदी के दोस्तों दो या तीन टॉपिक आपके रह गए हैं, वो जल्दी आपको करवा के इंग्लिश की क्लास लगाई जाएगी। तो इंग्लिश वाले सर की अभी बात चल रही है दोस्तों, हिंदी की आपकी जल्द क्लास लगा के 5 बजे दो तीन टॉपिक है वो खत्म करके इंग्लिश की क्लास लगाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं कल के सेशन में मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत।